मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे बहुत चटपटी सी चटनी जो बहुत यम्मी और बहुत डिलीशियस बनती है, जिसके मेन इंग्रेडिएंट कोरिएंडर और मिंट है। चलिए अब इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इंग्रेडिएंट्स मेरे पास यहाँ पर एक कटोरी मिंट है और एक कटोरी कोरिएंडर है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से कट कर लिया है, और साथ साथ मेरे पास यहाँ पर दो टमाटर हैं, 6 से 7 हरी मिर्चें हैं, दरमियाने साइज़ का छोटा कटा हुआ प्याज है, 1 टेबलस्पून अनारदाना है, 2 लीमू हैं और 6 से 7 लहसुन के जवे हैं। अब मैं यहाँ पर पैन लूँगी, इसके अंदर मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून जीरा शामिल कर देंगे। जीरा शामिल करने के बाद हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। हमने यहाँ पर 2 टमाटर के 4 पीस कर लिए हैं। अब टमाटर और जीरे को एक साथ सोते करेंगे। इन दोनों को थोड़ा सा सोते करने के बाद हम टमाटर के छिलके इजीली रिमूव कर लेंगे। अब यहाँ पर पुदीना लेंगे, कोरिएंडर लेंगे और देन हम दोनों चीजों को अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। हम हाथ की मदद से इसको अच्छे तरीके से वॉश करेंगे, इसकी इंप्योरिटीज को रिमूव करेंगे। देन मैं यहाँ पर एक कपड़ा लूँगी, इसके ऊपर इन दोनों चीज़ों को फैला दूँगी। इसका पानी हमने अच्छे तरीके से खुश करना है, पानी का इस्तेमाल हम चटनी में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पर हम ग्राइंडर लेंगे, इसके अंदर हम जीरे और टमाटर को शामिल कर देंगे जिसको हमने सोते किया था। अब हम इसके अंदर धनिया और पुदीना शामिल कर देंगे। देन हम इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्ची शामिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर अनारदाना शामिल कर देंगे जिसको धोकर हमने कूट लिया था। अब हम इसके अंदर लहसुन के जवे शामिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर 2 लेमन निचोड़ देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर 1 लेमन भी स्क्वीज कर सकते हैं। लेमन शामिल करने के बाद हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून सिरका शामिल कर देंगे। सिरका शामिल करने के बाद हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल कर देंगे और 1 टेबलस्पून ही चिली सॉस शामिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर 1 अनियन शामिल कर देंगे। अनियन हमारे पास ऑप्शनल है। अब हम इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल कर देंगे और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च शामिल कर देंगे और 2 से 3 चुटकी हम इसके अंदर हल्दी शामिल कर देंगे। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। शुरू शुरू में आपको इसको मिक्स करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये इजीली हो जाएगी ग्राइंड। पानी हमने इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं शामिल करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी चटपटी सी चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। दोस्तों, ये चटनी हेल्थ के लिए बहुत यूज़फुल है। आप ये चटनी खाने के बाद अपने पसंदीदा सालन को बिल्कुल भूल जाएंगे और आप इसको 2 से 3 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और हमारे चैनल मूड इस फूड ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि और ये वीडियो से नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।